इस वीडियो में सीखेंगे हम एक्सपायरी डेट के बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या सीमेंट जो हमारा एक्सपायर हो जाता है क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारा जो सीमेंट साइट पे यूज आता है, अगर उसमें सबसे कॉमन क्या होता है कि एक्सपायर डेट, कि अगर देखिए सीमेंट हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी क्या होता है, मॉइस्चर भी हो सकता है सीमेंट के अंदर, एक्सपायर डेट भी हो सकती है। एंड जो स्टोरेज करते हैं, जब साइड के ऊपर सब साइड पे आ जाता है सीमेंट, तो वहाँ पे भी स्टोरेज हम कैसे करनी चाहिए, तो वो मैं चेकलिस्ट के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो एक्सपायर डेट होती है उसको हम कैसे यूज़ करने हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते, सवाल करते रहते हैं कि हाउ लॉन्ग कैन यू यूज़ सीमेंट आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट, कि एक्सपायरी डेट के बाद हम सीमेंट कैसे प्रयोग कर सकते हैं और हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशंस के बारे में, जो सीमेंट हम खरीदते हैं उसके बारे में कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टोरेज करते हो सीमेंट स्टोरेज कंडीशन। तो सीमेंट स्टोरेज कंडीशन की सीमेंट को आप कैसे साइड पे स्टोर करना है, ठीक है। तो सीमेंट को कैसे साइड पे स्टोर करना है, कैसे हमें, जैसे कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए, उसका गैप होना चाहिए दीवार से, दीवार के फेस में नहीं लगाना चाहिए, तो कंडीशंस होती है। सेकंड इज़ हमारा एक्सपायरी डेट, कि जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले देखना है कि जो सीमेंट है वो कितना मैनुफैक्चरिंग डेट क्या है और किस डेट में आप यूज कर रहे हो। तो जो उनका दोनों का डिस्टेंस है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप रिजेक्शन डेट भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखना है कि सीमेंट बैग मस्ट बी यूज बिफोर 3 मंथ्स, कि जो आपको सीमेंट बैग है 3 मंथ से पहले पहले उसको यूज़ करना है एज पर मैन्युफैक्चरिंग डेट। कि हर सीमेंट बैग पर, जो भी सीमेंट बैग आपके साइट पे आता है, तो या फिर आप सीमेंट खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहले चेक कर ले कि सीमेंट के अंदर कोई मॉइस्चर ना हो। सेकेंड इज आपका मैनुफैक्चरिंग जो डेट है वो मैनुफैक्चरिंग 3 मंथ से ज़्यादा ना हुई हो, ठीक है। तो वो डेट हम कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एज़ पर ये क्या कहता है, IS कोड के अकॉर्डिंग हम जो सीमेंट होता है वो 3 मंथ से ज़्यादा वो यूज नहीं होनी चाहिए। तो उसकी सबसे पहले सीमेंट खरीदने से पहले या साइड पे जब आते हो तो वहाँ पे चेक कर लेना है कि अभी जो स्टोर करते हो सीमेंट, स्टोर करने के बाद काफ़ी क्या होता है कि सीमेंट कम से कम साइड पे 200-300-400 बैग आ जाते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, एक्सपायर डेट हो जाती है, और डेट क्या होता है, रिजेक्शन हो जाता है। वहाँ पर सबसे पहले चेक कर ले कि जो डेट है वो 3 मंथ से ज़्यादा ना हो। सेकेंडली उसके अंदर जो सीमेंट होता है उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना आया, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस कोई आती है तो यूज करने से पहले सीमेंट की जो होता है आपके पास में, तो उसमें जो स्ट्रेंथ है उसकी चेक कर ले पहले, ठीक है। सेकंड इज इफ यू यूज टेस्ट स्ट्रेंथ बिफोर यूज, अगर हम कोई जो सीमेंट है 3 मंथ से ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो उससे सबसे पहले जो उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट है वो मस्ट आपको यूज करनी चाहिए। उसके बाद IS कोड स्पेसिफाई क्या करता है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट बिफोर यूज, आपको जो सीमेंट यूज करना है टेस्टिंग से पहले, तो सीमेंट स्टोरेज मोर देन 6 मंथ। वो क्या होता है कि जो मिल्स होती है, जो सीमेंट का जो मिल्स होती है, बड़े जो गोदाम होते हैं जिसका आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे 6 मंथ तक वो क्या होते हैं, स्टोर हो करके रखते हैं, क्योंकि काफ़ी 500-400-1000-2000 सीमेंट ऐसे ही वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ से सप्लाई होते हैं लोकल सप्लायर के पास में, तो वहाँ से भी एक जो डेट होती है सीमेंट होता है, वहाँ पे कोई एयर्स नहीं आती है, कोई कॉम्पैक्शन अच्छे से, वहाँ पे जो स्टोरेज होता है वो अच्छे से प्रॉपर कंडीशंस में ध्यान में रख किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर से हमें जो वुडन पैक्स होते हैं उसके ऊपर रख किया जाता है, मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर किया जाता है कि वो वहाँ पे जो सीमेंट हम स्टोर करते हैं वो प्रॉपर स्ट्रेंथ उसकी होती है, ताकि वो कंडीशंस के अंदर रखा जाता है एयर टाइट्स के लिए। सेकेंड इज हमारा सीमेंट स्टोर मोर देन 3 मंथ, अगर कोई सीमेंट है वो 3 मंथ से ज़्यादा आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, लोकल स्टोर, लोकल स्टोर में आप सीमेंट जाते हो तो वहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर हो चुका है, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ले बिफोर कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये होती है कि आप कंक्रीट में यूज़ ना करें, कंक्रीट जहाँ पे भी आपका रेनफोर्समेंट यूज़ होता है आप फ्लोरिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप प्लास्टर में यूज़ कर सकते हो, प्लास्टर में भी ऑलमोस्ट आप यूज कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है क्यूरिंग के ऊपर, ठीक है। और आप PCC में उसमें भी आप यूज कर सकते हो, तो 3 मंथ से ज़्यादा आप कोई उसमें यूज़ ना करें, कोई स्ट्रक्चर के अंदर 3 मंथ से पहले ही आप जो यूज़ करना है। सबसे पहले आप देख लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड बी स्टोर सीमेंट, जो आपकी जो सीमेंट होता है जो आपने स्टोर किया 0 मंथ, 0 मतलब आपका 1 सप्ताह या से 4 सप्ताह हो गए, 1 महीने के अंदर अंदर जो सीमेंट स्टोर होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है 100 स्ट्रेंथ होती है, जितना आपका, जैसे कि आपका OPC है 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट है, तो 43 का मतलब उसमें क्या है कि 43 स्ट्रेंथ है आपकी सीमेंट की न्यूटन पर MM² के अंदर, जो कि आपके 28 डेज में आती है। जैसे
कंक्रीट होगा आपका M10, M20, M25। तो M20, M10 इसमें होता क्या है कि M है मिक्स्ड और 10 आपका न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर में जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है आपका 20 डेज में जो चेक किया जाता है वो होता है आपका क्यूब मोल्ड से, जो क्यूब साइज होता है 6 इंच बाई 6 इंच का होता है। और अगर 3 मंथ का जो स्टोर सीमेंट होता है तो उसकी 80% स्ट्रेंथ निकल कर आता है। जैसे कि आपने सीमेंट स्टोर किया साइट पे कीजिए या फिर आपने परचेज कीजिए तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है 80% आती है, या फिर आप कैसे भी अच्छे से स्टोर कर सकते हो। जो 6 मंथ तक आप सीमेंट को स्टोर करते हो तो उसकी 70% स्ट्रेंथ आती है। अगर 12 मंथ तक जैसे कि 1 साल तक आपने सीमेंट स्टोर किया तो उसकी 60%, तो ये 60% आती है प्रॉपर स्टोरेज करने के लिए। अगर वहाँ पे एयर जैसे कि कोई हवा लग जाती है, फिर कोई जैसे कि आप सीमेंट स्टोर प्रॉपरली से नहीं कर पाए तो वहाँ पे स्ट्रेंथ डिक्रीज भी हो जाती है, मतलब घट भी जाता है। तो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ आती है ये हमारी प्रॉपर स्टोरेज करने के बाद आती है। तो उसके बाद हमारा 24 मंथ्स, अगर कब सीमेंट स्टोर आपने किया 24 महीने के अंदर में तो उसकी जो स्ट्रेंथ आती है 50% आता है, ठीक है। तो वो हमारा कैसे आएगा स्ट्रेंथ, हम उस पर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसे हम चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड इज हमारा अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। जो ओपीसी अगर आप सीमेंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ओपीसी आपका प्रॉपरली से स्टोन होता है, एक स्टोन से ही, जैसे कि स्टोन को पीसकर स्टोन से ही बनाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्डन होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। उसको ऑलमोस्ट इसलिए ओपीसी सीमेंट को स्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका जैसे कि स्ट्रक्चर जो आपका होता है कॉलम बीम स्लैब रेइनफोर्समेंट के लिए ऑलमोस्ट ये यूज़ होता है। उसके बाद डिफरेंट एजेस, तो डिफरेंट एज क्या होती है इसमें डेज के अंदर, कि अगर आपने M20 ले रहे हो M25 ले रहे हो तो जो उसकी स्ट्रेंथ आएगी, जो अपने कंक्रीट आपने कॉलम कास्टिंग करना है, स्लैब कास्टिंग करना है, फुटिंग कास्टिंग करनी है, तो उसमें कंक्रीट जो आपने यूज़ करी, जैसे कि M25 यूज़ कर रहे हैं, M10 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप सीमेंट क्या यूज़ कर रहे हो OPC, तो फर्स्ट डे में जो उसकी स्ट्रेंथ आएगी, अगर आप क्यूब फिल करते हैं 6 इंच बाई 6 इंची का जो साइज़ होता है 150 mm बाई 150 mm का होता है, उसी से हम टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट डे के अंदर आती है 16%, और 3 डेज में आती है 40%। तो 40% इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है ओपीसी सीमेंट आप यूज कर रहे हैं। तो वो हम कैसे निकालें, जैसे M25 है, 25 न्यूटन पर स्क्वायर के अंदर आता है, तो उसको गुना कर देंगे 40/100, जैसे कि 40/100 से, तो इसको हम चेक कर रहे हैं 3 डेज में तो 40%। ऐसे ही हम 7 डेज में हम चेक करते हैं तो 67% इसकी स्ट्रेंथ निकल कर आ जाता है। 28 डेज, तो हम कहाँ पे करते हैं 28 डे में ही, तो 28 डे में जो स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी आती है 100%, तो वो क्या आएगी क्यूब की, जो आपने 25 ले रहे हैं, जैसे कि 25 है तो अप्रोक्स 25 आने चाहिए या प्लस होना चाहिए, तो 100% इसकी स्ट्रेंथ निकल कर आ जाता है। ऐसे ही हम 3 मंथ में यूज़ करते हैं, अगर आप 3 मंथ तक उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो 122% स्ट्रेंथ उसके निकल कर आती है। तो इस तरह आपने सीमेंट्स के बारे में जाना, जो हम सीमेंट स्टोर यूज़ करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करते हैं, तो इस तरह से हम और इम्पोर्टेंट। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।